चीन के साथ तनाव का फायदा उठाने की कोशिशों में न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि उसके पाले हुए आतंकी भी इस तनाव का फायदा उठाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन चीन को ये सब नहीं दिखता है। अब तक तो आतंकियों को चीनी हथियारों की सप्लाई की बात सामने आती थी, लेकिन अब तो आतंकियों को अमेरिकन हथियारों की भी सप्लाई की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण ये हथियार बरामद कर लिए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास उरी के इलाके में 2 M4 यानी जो अमरीकी राइफल है आधुनिक, वो बरामद की है। दरअसल अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग जगहों पर 4 ऐसी अमेरिका में बनी राइफलें बरामद की हैं, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चिंताजनक है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में सतर्क सेना के जवानों ने एक बार फिर से आतंकियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुरक्षा बलों ने LOC के करीब आतंकियों के लिए सीमा पार से भेजे गए हथियारों का जखीरा बरामद किया। बरामद हथियारों में पाकिस्तान निर्मित राइफल और पिस्टल भी शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने जैश ए मोहम्मद संगठन के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भी भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि उनके पास से नकद पैसा भी काफी मात्रा में मिला। देखें, अगर आपको याद होगा, ये आज की स्ट्रेच नहीं है, कुछ समय से ऐसे चल रही है। लास्ट ईयर भी कुछ वेपन पकड़े गए इस सेक्टर से भी, इवन कुपवाड़ा आज, और रिसेंटली आपने देखा कि जो ट्रक में आ रहा था सांबा से आ रहा था वेपन, जिसको काजीगुंड के पास पकड़ा गया, उसमें 2 लड़के भी थे। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है वेपन किसी तरह यहाँ पहुँचाना या लड़के पहुँचना, जो भी मिलिटेंट्स थे। लेकिन जो बॉर्डर टाइट हो गई पिछले साल 1.5 साल से, आपको भी पता है, आप इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, पिछले 1.5 साल से जो उड़ी सेक्टर है या इवन गुलमर्ग सेक्टर है, कोई इन्फिल्ट्रेशन उनकी सक्सेसफुल नहीं होगी। विद रिजल्ट जो यहाँ पे इनके मिलिटेंट्स का प्रेशर है कि वेपन की जो उनकी डर्थ है, उसके लिए नए नए रास्ते ढूंढे, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए किसी इलाकों में डाले, किसी इलाकों में अपने आदमियों के साथ डाला, फिर यहाँ से वेपन कलेक्शन करने के लिए बंदा, ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज वो होती रहेगी। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण पाकिस्तान और उसके आतंकियों की सारी प्लानिंग फेल हो रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चीन जैसा देश जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर खड़ा होता है तो वो पाकिस्तान जैसे देश के कारण फैल रहे आतंक को उसका दोषी नहीं मानता, बल्कि वो तो पाकिस्तान को आतंक से पीड़ित बता देता है। लेकिन चीन चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वो बखूबी अंजाम जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।